एक बार मैं आप लोगों को यहाँ से यहाँ का ये जो सुंदर व्यू है वो दिखा देता हूँ करके। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज़, फिर से आप सब लोगों का एक और वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़, मैं अभी चंपावत हूँ और कमरे पे अपने, और अभी मैं हो चुका हूँ रेडी। तो गाइज, आज मैं जा रहा हूँ अपने ननिहाल। ननिहाल में आज मेरी जो नानी थी उसका वार्षिक श्राद्ध है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने ननिहाल। तो गाइज, मैं रेडी हो चुका हूँ और अपना यहाँ से मैं निकलता हूँ। धूप भी काफ़ी तेज़ लगी हुई है, मौसम सही बना हुआ है लेकिन धूप बहुत तेज़ है। तो निकलते हैं, क्योंकि मैंने ये इसलिए पहन रखा है कहीं मौसम ख़राब ना हो जाए। आजकल मौसम बहुत जल्दी चेंज हो जा रहा है, इसलिए। तो आप लोग बने रहे मेरी वीडियो में। तो गाइज, मैं निकलता हूँ। ये देखिएगा गाइज, मौसम अभी फिर चेंज हो गया है। पहले तक धूप लगी हुई थी, अभी फिर बादल लग गए हैं। ये देखिए, मैं ना थोड़ी देर में यहाँ से निकलता हूँ। गाड़ी मैंने यहाँ पे खड़े की है। तो गाइस, फाइनली मैं निकल चुका हूँ यहाँ से मामा लोगों के घर के लिए। और अभी मैं पहुँचा हुआ हूँ ये मुडियानी में मंदिर के पास। ये देखिएगा, अपना गाइज मैं हाईवे से कर चुका हूँ जहाँ से मामा गांव के लिए रोड गई हुई है, और उस वाली रोड में चला गया हूँ। और ये रोड ना थोड़ा ख़राब है, मतलब डामर तो है लेकिन डामर होने के बाद भी ये रोड ख़राब है, खड्डे मड्डे ज़्यादा हैं। तो इसलिए मुझे बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा, आराम से चलना पड़ेगा। चाहे भले 10 मिनट लेट हो जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से जाऊँगा। तो गाइस, मैं देखो मामा लोगों के घर के ऊपर पहुंच चुका हूं। मामा लोगों का घर वहां पे है, वो सामने पे। और अभी मुझे जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। देखो यहां से देखने में ना काफ़ी पास में लग रहा है, लेकिन गाइस रोड काफ़ी घूम के गई हुई है। कम से कम 5-10 मिनट मेरे को और लगेंगे। और अभी मैं यहाँ पर रुका था, मैंने सोचा कि एक बार मैं आप लोगों को यहाँ से यहाँ का ये जो सुंदर व्यू है वो दिखा देता हूँ करके। ये देखिएगा गाइस, अब ना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मेरे को वहाँ पहुँचने में। पहाड़ों का ये सुंदर सा व्यू कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिएगा। और चलते हैं गाइज आगे, फिर दिखाता हूँ मैं आगे नीचे जाके आप लोगों को नीचे का सीन। तो गाइज, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ मामा लोगों के घर में। और अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, ये देखिएगा। मैं एक बार ना आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाता हूँ अच्छे से। तो मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ पहले, उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ का सुंदर सा व्यू। अपना गाइज, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ का सुंदर सा व्यू। और ये हमारा छोटा भाई जो कि यहाँ पे अभी ड्राइवर को फ़ोन किया है शायद इनने। और अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को हाँ यहाँ का व्यू। अब ये तो रहा मामा लोगों का घर यहाँ पे। और अब देखिए फिर ये सुंदर सा व्यू। इस जगह का नाम ना बजोन से ऊपर खान नाम है, और बजोन आपका नीचे रहा वो जहाँ पे रोड दिखाई दे रही है और मकान भी दिखाई दे रहे हैं हल्के फुल्के, तो वहाँ पे रहा बजोन। और ये सब उसी गांव में आता है, ये देखिए। और ना यहाँ पहाड़ देखिएगा, ये फोन क्या। हम लोग अभी निकले हुए थे घूमने के लिए शाम के टाइम में, और यहाँ पे एक है पेड़, ये पेड़ है काफल का। और इस कुछ कुछ काफल दिख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे तोड़ के खाते हैं, लेकिन ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि यहाँ को ना जल्दी पक जाते हैं। ये देखो ये भी है, लेकिन कुछ कुछ हैं तो हम लोग खाते हैं, भाई और मैं गए हुए हैं। तो
यहाँ वैसे जल्दी पक जाते हैं ना, इसलिए बहुत ही कम मात्रा पे यहाँ पे काबिल हैं। ये देखो, ये देखिए गाइस, तो गाइज हम लोग पेड़ पे चढ़े हुए हैं। देखो ये चप्पल भी नहीं खोल के आया भाई, गिरेगा हाँ आराम से। चप्पल ये देखो, पहाड़ के बंदे में टैलेंट है देखो। आज मैं भी तो गया हूँ, ये देखो, ये मैं भी पेड़ पे गया हूँ, और अगर उठाए जाते हैं तो देखते हैं फोन किसका आ रहा है ये। हेलो, तो गाइज अब हम लोग पेड़ से उतर गए हैं और थोड़ा बहुत काफल हमने खाए, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं यहाँ पे, पहले ही पक जाते हैं तो इसलिए है नहीं, और थोड़ा बहुत फिर भी खाए हम लोग ने। जब मैं ना मार्केट जाऊंगा फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग, एक दिन बनेगा काफल वाला ब्लॉग, तो इंतज़ार करना आप लोग कब आए, लेकिन ना बहुत ही जल्दी कोशिश करूंगा कि वो ब्लॉग आए करके। ये देखिए गाइस, ये वाला चट्टान देखिए कितना भयंकर चट्टान है, नीचे को देखने में डर लग रहा है, और इस चट्टान पर हम लोग जा रहे हैं, रिस्क लेते हुए जा रहे हैं भाई। उतने आगे पहुंच चुका है मेरे से, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ, पता नहीं भाई कह रहा है यहाँ से मस्त व्यू बनता है करके, देखते हैं करके एक बार। नीचे को देखने में तो एकदम डर लग रहा है यार, आराम से जाना पड़ेगा। इसको देखो ये, यहाँ का व्यू अच्छा, यही कह रहा था, और इधर को भी छिल्लाड़ है और इधर को भी, देखो ये भाई साहब ऐसी जगह लेके आया, क्यों आया है तू? मेरे को डर नहीं लग रहा है क्या तेरे को यहाँ से? नहीं हैं, नहीं तो नीचे को देखना फिर डर लगेगी, मजा आ रहा है, कुछ बचने के चांस ही नहीं होंगे अगर कोई गिर गया गलती से भी तो। ये देखिए, तो भाई अब हम लोग चलते हैं घर के लिए, क्यों भाई चला चलते आ जा, और हैं वहाँ फिर देखना तो नीचे ही पड़ेगा भाई, वरना नहीं तो यहाँ से ढंडन लग जाएंगे। कितना भयंकर चट्टान है यार, ऐसे में लेट के क्यों आया तू?